हम जानते हैं सबके लिए भगवान एक ही होते हैं। उस भगवान सदा दयालु ही होते हैं। यदि भगवान के अंदर दया नहीं रहती तो हम भगवान की प्रार्थना ही करते क्यों? और वो भगवान, चाहे वो मानव हो या जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो या कीट हो या कृमि हो, सबके ऊपर अपनी दया को बरसते हैं। हम लोग मानव होकर बाकी जानवर से भी थोड़ा सोचने वाले होते हैं। सारी जानवर जितने भी हैं या सारे जंतु जो भी हैं, वो सब अपना शरीर को अच्छी तरह काम में लगाते हुए और वो आनंद को पाना चाहते हैं। लेकिन एक ही प्राणी है जिसको मानव हो, वो शरीर को काम में नहीं लगाते हुए भी आनंद को पाना चाहता है, शरीर से मेहनत करना नहीं चाहता है, फिर भी आनंद को तो चाहता है। और उस आनंद के लिए जो भी करने के लिए तैयार होता है, हम जानते हैं उसका परिणाम क्या होता है, प्रकृति का विनाश। इस प्रकृति जहां पर हम लोग जीवन चलाते हैं, इसका नाम ही प्रकृति है, यानी वो तो मूल है, जो अपने मां धरती के रूप में प्रकट होती है हमारा जीवन के लिए। वो खाने वाले फल देती है, फूल देती है, पत्ते देती है, पानी देती है, जमीन खेती के लिए देती है, हवा देती है और रहने के लिए जगह देती है। परंतु हम माता जी के ओर अपना प्यार को बहुत कम दिखाते हैं। हम जानते हैं ये धरती माँ कितनी सहनशीलता से हमारी रक्षा कर रही है। हम सुबह सुबह उठते ही उनके ऊपर पैर रखते हैं, खैर प्रार्थना तो करते हैं कम से कम। कुछ लोग बोलते हैं, हे माता पाद स्पर्शम क्षमस्व मे, मैं क्या कर सकता हूं माँ, आपके सिर के ऊपर ही पैर रखना पड़ता है, उसके अलावा मेरे लिए कोई चलने के लिए साधन ही नहीं है। सिर नीचे रखकर पैर ऊपर रखकर क्या मैं थोड़ी चल सकता हूं? लेकिन उसके लिए आप क्षमा करो, दया करो, मुझे ऊपर कृपा करो, प्रार्थना करके ऐसा कुछ करे तो कम से कम थोड़ा एग्जेम्पशन होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं करते हुए हम पेड़ को काटते हैं, पानी को खराब करते हैं, हवा को प्रदूषण करते हैं, माँ धरती को भी जो बहुत सारे रसायन द्रव्य से खराब करते हैं। और उतने ही नहीं, आपस में लड़ते हैं। कोई भी माता जी ये नहीं चाहती है कि मेरे संतान आपस में लड़े, माँ यही चाहती है मेरे संतान सब मिलजुल कर आनंद से रहें, सब संपत्ति से आनंद को उठाएं, ये माता जी चाहती है। हम जितना भी प्रदूषण करें फिर भी माता जी उतना सहनशील होती है। नष्ट पयोधरापि, बोलते हैं हमारे आचार्यगण, दूध देने के समय पे बालक माता जी को जो स्तन को काटता भी कभी कभी, तो भी माता जी सहन करते हुए उनका बढ़ाव ही चाहती है। ये धरती माँ का भी स्वभाव है।
हम जितना भी करें सारी प्रदूषण को फिर माता जी वर्षा के रूप में पूरा वो धो लेती है। हे बेटे अच्छी तरह जीवो, और मेरा जो भी जो वस्तु है उनको अच्छी तरह उपयोग करो, तुम बढ़ो। माता जी तो देते ही रहते हैं, देती ही रहती है, देना उन्हीं का काम है, उसको खराब करना शायद लगता है अपना कर्तव्य है। फिर भी माता जी जैसे सहन करती है, बंधुओं ये माता जी जो होती है जिसको दया का रूप बोलते हैं, ये भगवान